एक बार की बात है, गंगू नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी दिखने में बहुत ही हट्टी कट्टी थी। आए, इस जंगल में ये बकरी कहाँ से आ गई? यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता। अरे भाई, ये बकरी किसकी है? इसका ध्यान रखो, नहीं तो ये रास्ता भटक जाएगी। मैंने इतनी आवाजें लगाई फिर भी कोई नहीं दिखा यहाँ। शायद ये खुद ही रास्ता भटक चुकी है। बकरी दिखने में तो बहुत हट्टी कट्टी है, क्यों ना मैं ही इसे अपने घर ले जाऊँ। गंगू लकड़ियाँ छोड़कर बकरी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी मधु उससे पूछती है, तुम तो जंगल गए थे, फिर ये बकरी कहाँ से पकड़ लाए? ये बकरी हमें जंगल में मिली। जिसको जो चीज मिल जाए वो उसी की होती है, इसलिए ये बकरी अब हमारी है। हाँ, अगर इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो? जब आएगा तब की तब देखेंगे। हाँ, पहले तुम इसे देखो, कितनी हट्टी कट्टी है। रोज कई लीटर दूध देगी। इसका दूध बेचकर सोचो जरा, हम कितने अमीर हो जाएंगे। हाँ? बात तो तुमने पते की कही। गंगू और मधु बकरी के मिलने से बहुत खुश थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस बकरी को गंगू जंगल से अपने घर ले आया है वो साधारण बकरी नहीं, बल्कि एक बकरी के रूप में चुड़ैल है, जो बकरी का रूप बदल कर लोगों को खा जाती है। अगले दिन मधु सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे आज बकरी का दूध जो निकालना था। आजा आजा मेरे पास, तू अगर मुझे ढेर सारा दूध देगी तो मैं तुझे खूब हरी हरी घास खिलाऊंगी, ठीक है? ओले ओले, आजा आजा आजा। मधु जैसे ही बकरी का दूध निकालती है उससे दूध नहीं खून निकलता है। खून को देखकर मधु बहुत डर जाती है और पीछे हट जाती है। सुनो जी, जल्दी आओ बाहर। क्या हुआ? अरे काहे सवेरे सवेरे चिल्ला रही हो? तुम ये क्या बवाल उठा लाए हो? ये बकरी तो दूध की जगह खून निकाल रही है। गंगू जैसे ही बकरी के नजदीक जाता है, बकरी उसे बहुत जोर से लात मारती है। तभी उस बकरी का आधा शरीर चुड़ैल में बदल जाता है। ये बकरी नहीं, चुड़ैल थी। तुम चुड़ैल को अपने घर लाए थे, अब क्या होगा? मुझे अकेला पाकर और हट्टा कट्टा देखकर उठा लाए, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इतनी हट्टी कट्टी तुम जैसे इंसानों को खा कर ही हुई हूँ। तभी मधु और गंगू वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो चुड़ैल बकरी दोनों को मारकर खा जाती है। बेवकूफ इंसान। फिर चुड़ैल वापस अपने आप को पूरा बकरी में बदल कर गाँव में घूमने लगती है। उसी गाँव में एक शमीला नाम की औरत रहती है, उसका एक जवान बेटा गुड्डू भी था। शमीला अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि बेटे की शादी की बात बनते बनते हमेशा बिगड़ जाती थी। इसलिए शमीला गुड्डू को अपने साथ पंडित के पास लेकर जाती है। पंडित जी, मैं अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ, बात बनते बनते हमेशा बिगड़ जाती है। कितने अच्छे रिश्ते आए इसके लिए, पर पता नहीं क्या हो जाता है, और लड़की वाले ऐन वक्त पर मना कर जाते हैं। अब आप ही कुछ करिए। कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी तुम्हारे बेटे का हाथ देख कर सब बताता हूँ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पंडित गुड्डू का हाथ देखने लगता है। ओहो, कारण पता चल गया। क्या हुआ पंडित जी, कहीं बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है? तुम्हारा बेटा मंगली है, ये सब इसी वजह से हो रहा है। समस्या है तो बड़ी, पर मेरे पास इसका उपाय भी है। तुम्हें एक बकरी के साथ अपने बेटे का विवाह करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे बेटे के ऊपर से मंगल दोष उतर जाएगा, फिर तुम इसकी शादी कहीं भी कर सकती हो। पंडित जी, ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शमीला और गुड्डू वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तुम्हें तो पता ही है माँ कि मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता। मेरी शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। मैं कोई बकरी बकरी से शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारा मन रखने के लिए मैं पंडित के पास गया था, बस। ऐसा मत बोल बेटे, अपनी माँ की ये आखिरी बात और मान ले। तुझे तो पता ही है कि मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब भगवान को प्यारी हो जाऊँ। माँ, मेरे सामने ये मरने वरने की बातें मत किया करो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है करो, ठीक है?
शमीला बहुत खुश थी, इसलिए वो पूरे गांव भर में बकरी ढूंढने निकल जाती है। कोई भी गांव वाला अपनी बकरी उसे देने के लिए राजी नहीं था। कुसुम बहन, क्या मुझे एक दिन के लिए अपनी बकरी दोगी? अचानक तुम्हें मेरी बकरी की क्या जरूरत आन पड़ी? वो पंडित जी ने बोला है मेरे बेटे के ऊपर मंगल दोष है, बकरी से शादी करने के बाद उसके ऊपर से मंगल दोष उतर जाएगा, इसीलिए चाहिए। हाय राम, इसलिए चाहिए थी तुम्हें बकरी? तुम मेरी बकरी को मारना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सब करने के बाद मेरी बकरी मर जाएगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी बकरी नहीं दूंगी। शमीला बहुत परेशान थी। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे कहीं से बकरी के मिमियाने की आवाज सुनाई पड़ती है। शमीला आवाज की तरफ दौड़ती हुई जाती है। झाड़ियों के पास वही भूतिया बकरी खड़ी थी। शमीला इधर उधर देखती है और चुपचाप उस बकरी को अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद शमीला पूरा दिन उसे खूब खिलाती है और आधी रात के वक्त उस बकरी से अपने बेटे की शादी करवाती है। जिस पंडित ने ये सब बताया था वो पंडित ही बकरी और गुड्डू की शादी के मंत्र पढ़ता है। ओम मंगलाय नमो नमः, ओम मंगलाय नमो नमः, ओम गणेशाय नमो नमः, ओम लक्ष्मीकांताय नमो नमः, ओम नमो नमः। विवाह संपन्न हुआ बेटी, तुम्हारे बेटे के ऊपर से मंगल दोष अब पूरी तरह से उतर चुका है। तभी बकरी चुड़ैल में बदल जाती है। दुल्हन की मुँह दिखाई नहीं दोगे? अरे दे 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 दे, ये तो चुड़ैल है, आप करा दिया मुझ पंडित से। राम 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 राम। माँ, तुमने मेरी शादी चुड़ैल से करवा दी? ये कैसे हो गया? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? शांत रहो सब, मेरा तो काम ही है लोगों को फंसाने का, उन्हें फंसा कर ही तो मैं अपना पेट भरती हूँ। मैं तो भागूं यहाँ से। जैसे ही पंडित बाहर की तरफ भागता है, चुड़ैल पंडित का पैर अपने मुंह में पकड़ लेती है और उसे पूरा खा जाती है। फिर वो गुड्डू की तरफ देखने लगती है। तूने तो मुझसे शादी की है तो तू मेरा पति हुआ, और हर पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति के पैर छुए। नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे बेटे को छोड़ दे चुड़ैल। अरे मैं तो भूल ही गई, सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चुड़ैल तुरंत शमीला को दबोच लेती है और मार देती है। गुड्डू अपनी माँ को बचाने के लिए चुड़ैल के ऊपर डंडे से वार करता है। चुड़ैल उसे भी मार देती है और सभी को खा जाती है। बड़े आए थे मेरी शादी कराने। चुड़ैल वापस बकरी में बदल जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर दीवार के पीछे खड़ी सावित्री ये सब देख लेती है। ये चुड़ैल बकरी एक एक कर सभी को खा जाए, उससे पहले मुझे सभी गाँव वालों को इसके बारे में बताना होगा। सावित्री भागती हुई गांव के चौपाल में पहुंचती है। सुनो सुनो सुनो, सभी इधर आओ जल्दी। क्या हुआ? ऐसी कौन सी जरूरी बात बतानी है जो शोर मचा मचा कर सबको इकट्ठा कर दिया? हमारे गांव में एक चुड़ैल बकरी घूम रही है, उसका आधा शरीर तो चुड़ैल का है और आधा बकरी का। वो लोगों को मार कर खा जाती है, फिर साधारण बकरी में बदल जाती है। क्यों मजाक कर रही हो सावित्री बहन? भला कभी ऐसी भी कोई बकरी होती है, है? चुड़ैल जैसी दिखने वाली। फिर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहां वही चुड़ैल बकरी मेह मेह करती हुई आ जाती है। अब तुम ये बोलोगी कि ये बकरी बकरी नहीं चुड़ैल है? हाँ हाँ, ये वही चुड़ैल बकरी है, तुम इससे दूर हट जाओ। तभी श्याम बकरी को पुचकारने लगता है और उसे बड़े ही प्यार से सहलाने लगता है। उसके हाथ लगाते ही बकरी चुड़ैल रूप में आ जाती है। ये तो सच में चुड़ैल है। चुड़ैल बकरी एक एक करके सभी को झपटने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिपना पड़ेगा। तभी वो चुड़ैल बकरी एक छोटे से बच्चे पर हमला करने वाली होती है, पर उसका पिता हरिदास उसे देख लेता है। छोटू, मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। हरिदास को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि चुड़ैल बिल्कुल उसके मुन्ना के सामने ही खड़ी थी और मुन्ना जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही चुड़ैल मुन्ना पर हमला करती है, वैसे ही हरिदास कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है और वो कुल्हाड़ी चुड़ैल बकरी के पेट में घुसा देता है। चुड़ैल वहीं तुरंत मर जाती है और हरिदास अपने मुन्ना को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है।
अब सभी गांव वाले उस चुड़ैल बकरी के डर से आजाद थे।